तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस सबमिशन को फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकता है। सो यहाँ पर अपन को दे रखा है सबमिशन एन की वैल्यू 0 to ∞ 1 / 2n·n। सो तुम्हें पता है कि e^x क्या होता है, 1 + x + x²/2 · x³/3 तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e^x इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 to ∞ x^n·n। वैसे ही अगर देखें तो e^-x क्या हो जाएगा, 1 − x + x²/2 · x³/3। और इस चीज को तुम लिख सकते हो समेशन एन की वैल्यू 0 to ∞ −1·n x^n·n। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो e^x + e^-x यहाँ पर ही हो जाएगा समेशन एन की वैल्यू 0 to ∞ x^n·n, तो कॉमन आ जाएगा, 1 + −1 n हो जाएगा। तो अगर एन की वैल्यू ऑड हुई तो उस केस में तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और अगर एन की वैल्यू इवन हुई तो उस केस में ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा e^x + e^-x समेशन एन की वैल्यू ऑड के लिए 0 हो गया, एंड समेशन एन की वैल्यू वन के लिए 2 × x^n·n हो गया। तो 2 को तो यहाँ से बाहर ले लेता है, और ये हो जाएगा समेशन x^n·n की वैल्यू इवन के लिए। अब इवन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे इवन क्या होगा 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप का होगा, तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 × समेशन n की वैल्यू 0 to ∞ x^n·2n·2n। और क्योंकि 0 पुट करोगे तो ये वाला आ जाएगा 1, और यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 2 पुट करने पर इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर 1 पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, e+1/e = 2 × समेशन n की वैल्यू 0 to ∞ 1 / 2n का फैक्टोरियल, और 2 को इधर डिवाइड कर देता है तो जो अपना फाइनल आंसर है e+1/e/2 आ जाएगा, जो अपन को समेशन फाइंड आउट करना था। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।